ये ठीक है चलो रद्द करने में लोग जरा लगेगा शाइस्ता जबान इस्तेमाल करें और मौके महल का लिहाज रखें ये बात ठीक है लेकिन ये कि अब किसी को कुछ कहा ना जाए कोई तनखीद ना की जाए ये बात तो ठीक नहीं है इसका मतलब और फिर ये फतवाबाजी का लफ्ज जो कहा है जी फतवे की तोहीन है जी आप लोग इसका साथ मत दीजिए फाल मत कीजिए जी हम लोगों ने जवाब यही दिया था कि हम लोगों ने जवाब यही दिया था कि हम अपने उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम से पूछ लेंगे इसमें शिरकत के लायक ये इत्तेहाद है या नहीं नहीं इसमें शिरकत जी और हुजूर बाहर से उलमा के सूरत की सरजमीन पर वो कह रहे हैं तकरीरों में कह जाते हैं कि दावत इस्लामी और सुनी दावत इस्लामी को हुजूर ताजुश शरिया ने गुमराह कहा है इसकी क्या हकीकत है मैंने क्या कहा है मेरे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं जी मैंने ये कहा है कि दावत इस्लामी और सुनी दावत इस्लामी कोई मतलब की आदत की मुबल्लिग नहीं है आखिर अपने तौर पर जो चाहे कहे गुमराह कहे या उनके नजदीक उनका कुफ्र साबित है तो काफिर कहे मेरे नाम क्यों लेते हैं जी मैंने इतना कहा है कि मतलब के आला हजरत की मुबल्लिग नहीं है दोनों तंजीमें और दोनों तंजीमों का तरीका कार गलत है और दिन ब दिन गलत होता जा रहा है जी। मैं बारहा कर चुका यहाँ पर मैंने कहा हुजूर एक बात और थी कि कुछ लोगों का इतराज है कि उलमाए अहले सुन्नत बाहर मुल्कों का दौरा करते हैं तो वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं एयरपोर्ट पे तो वहाँ जाना उनका कैसा बार बार उमरा करने जाते हैं वो जाना कैसा ये फेल है इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के फेल हम कब ये कहते हैं कि हमारा ये फेल जो है मतलब वो लायक इब्तिदा है इसमें लोगों को इब्तिदा है हम इसके कारण नहीं है कि जिस फेल में हम इब्तिदा है मुब्तला है तो हम उसको कानून बना लें अब इन कमबख्तों ने टीवी और वीडियो का जो इस्तेमाल आजादाना तौर पर किया है उस पर ये हम लोगों पर एतराज करते हैं जबकि रियाज कादरी इससे पहले जो है खुद कहता था कि मारो शैतान को मारो शैतान को और टीवी कितने कभी फिर बात ये अब कैसे जायज हो गया जी 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 मर्दूद है अगर बात करें के और लगा दे मैं हैदराबाद से नसीर रजा बात कर रहा हूँ क्या है ये सर आपकी इजाजत है एक मसला पूछना चाह रहा हूँ जल्दी से पूछ लीजिए जी हजरत ये दावत इस्लामी के इलिया सत्तारी है उसको गुमराह कह सकते हैं या नहीं कह सकते गुमराही की कोई दलील से चाहिए जी जी हाँ मेरे पास अभी तक कोई दलील आई नहीं है बाकी काम तो ऐसा उन्होंने बाज बातें ऐसी कही है जो गुमराह गरी जाती है मगर उसकी वजह से गुमराही का हुक्म नहीं दिया जाएगा जैसे उनसे पूछा गया कि आप पहले टीवी को शैतान और हराम और ये वो सब कहते थे अब वही टीवी आप जायज करते हैं तो ये बात कैसे समझी जाए कि कौन सही है कौन गलत उन्होंने कहा कि भाई शुरू इस्लाम में बहुत सी चीजें हलाल थी बाद में हराम हुई या पहले हराम थी बाद में हलाल हुई तो वो नासिक मनसूख का जैसे हुक्म था वैसे ये भी नासिक मनसूख हो गया तो नासिक मनसूख का जो फरमान था वो अहदे रिसालत तक के लिए था जी। आकाम उतरते थे नासिक मनसूख होते थे
کیا اس زمانے میں کسی بھی بڑے سے بڑے امام کو یہ حق ہے کہ احکام کو منسوخ کرے کوئی حکم ہو؟ یہ جو ہے گمراہ کن بات ہے، مگر اس کے اوپر ان کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، توبہ کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت اگر کوئی اگر گمراہ کہہ رہا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جو گمراہ کہہ رہا ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، اس کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ جی حضرت، ہاں جی حضرت، شکریہ۔